सावन के पवित्र माह में संस्कारधानी शिवमय नजर आ रही है। जहूं और बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सावन मास पर शिव भक्त परंपरा अनुसार कांवड़ यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को अलग अलग इलाकों से शिव भक्त माँ नर्मदा तट पहुँचे और कांवड़ में माँ नर्मदा का पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्राएं निकाली। इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में गौरीघाट से कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने माँ नर्मदा का पूजन करने के बाद कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया और भोलेनाथ के जयकारों के साथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर माँ नर्मदा के जल से गुप्तेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में ये विशाल भगवा कांवड़ यात्रा इस पवित्र श्रावण माह में निकाली जा रही है। गौरीघाट से जल भरकर और गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेगी। ये भगवा कांवड़ यात्रा निकालने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। इसी तरह सेठी नगर पिपलेश्वर महादेव मंदिर समिति ने भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा निकाली और पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से प्रतिवर्ष सावन माह में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं और कांवड़ में जल लाकर भगवान पिपलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सभी सेठी नगर के वासियों द्वारा 10 साल से सावन महीने में महादेव को जल नर्मदे जी से लेकर यहाँ पैदल आते हुए जल अभिषेक किया जाता है, जो कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर और गुप्तेश्वर मंदिर हमारी सेठी नगर की जनता की शान और यहाँ पर स्थापित जो मूर्तियाँ हैं सब इन्हीं पुरखों के द्वारा दी गई हैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में 12 शिवलिंग हैं और सभी धामों को लेते हुए यहाँ पर स्थापित माननीय मोनी बाबा जी द्वारा की गई। इसी कड़ी में उड़िया मोहल्ला शिव शक्ति मंदिर के तत्वावधान में भी यादव समाज के लोगों ने मां नर्मदा तट गौरीघाट से कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की और पुण्य लाभ अर्जित किया। गौरीघाट से छोटी अमती उड़िया मोहल्ला शिव शक्ति मंदिर में जाएगी। हमारे साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुष साथी यहां पे ये कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हैं। आज हम लोग यहां पे छोटी अमती उड़िया मोहल्ला निवासी हजारों लोगों की भीड़ में माताओं और बहनों के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। पवित्र सावन मास की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों के द्वारा लगातार कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। शिव भक्त माँ नर्मदा का पवित्र जल लेकर नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं।